एक बार वैज्ञानिकों ने कमाल का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक पिंजरे में कुछ बंदरों को रख दिया, साथ में उस पिंजरे में एक सीढ़ी रख दी और कुछ ऊंचाई पर केले टांग दिए। अब वो बंदर उस सीढ़ी पर चढ़कर वो केले खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते, वैसे ही ऊपर से उस बंदर के ऊपर ठंडा पानी डाल दिया जाता। ना सिर्फ उस बंदर के ऊपर बल्कि उस पिंजरे में के सारे बंदरों के ऊपर ठंडा पानी डाल दिया जाता। और जैसे ही वो बंदर वो सीढ़ी से उतरकर नीचे आ जाता, पानी बंद कर दिया जाता। दोबारा फिर बंदर कोशिश करता, फिर से उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया जाता और बंदर जैसे ही सीढ़ी से नीचे उतरता, पानी बंद कर दिया जाता। दूसरा बंदर फिर वो कोशिश करता, उसके साथ भी वैसे ही किया जाता। फिर वो बंदर को ये समझने लगता है कि जैसे ही सीढ़ी पर चढ़ते हैं वैसे ही ऊपर से ठंडा पानी डाल दिया जाता है। जब तीसरा बंदर फिर ये कोशिश करता है तो सारे बंदर उसे नीचे खींचते हैं और मारना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद कोई भी बंदर उस सीढ़ी पर चढ़कर उस केले को तोड़ने की कोशिश नहीं करता। उसके बाद वैज्ञानिक एक एक बंदर को रिप्लेस करते हैं, एक बंदर को निकाल कर उसकी जगह दूसरा नया बंदर वहां डाल देते हैं। वो नया बंदर जब वहां पहुंचता है और उन केलों को देखता है तो वो सीढ़ी पर चढ़कर केले खाने की कोशिश करने लगता है। वैसे ही बाकी के बंदर उस बंदर को खींचते हैं और मारना शुरू कर देते हैं। उस बंदर को यह समझ नहीं आता कि उसे क्यों मारा जा रहा है। उसके बाद दूसरे बंदर को निकालकर उसकी जगह नया बंदर ला लिया जाता है। वो नया बंदर जब उस पिंजरे में आता है तो उसका ध्यान भी उस केले की ओर जाता है और वो केले को तोड़ने के लिए सीढ़ी पर चढ़ने लगता है। वैसे ही बाकी के बंदर उसे नीचे खींचते हैं और मारना शुरू कर देते हैं। उसमें वो नया बंदर भी शामिल होता है जो बाद में डाला गया था। उसे ये पता नहीं होता कि उसे क्यों मारा जा रहा है, बाकी मारते हैं इसलिए वो भी उसे मारना जारी रखता है। ऐसा करते करते उस पिंजरे में सारे नए बंदर आ जाते हैं और कोई भी बंदर उस सीढ़ी पर चढ़कर उन केलों को तोड़ने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि जो भी नया बंदर केले को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है बाकी के बंदर उसे टूट पड़ते हैं। वो नया बंदर कभी ये पूछता नहीं कि ये क्यों किया जा रहा है। उसी प्रकार हमारी जिंदगी में भी हम लोग रिएक्ट करते हैं। दोस्तों, हमारी बहुत सारी प्रथाएं परंपराएं क्यों हैं, इस बात का सवाल करने की हम कभी हिम्मत नहीं करते। वो प्रथा, वो परंपरा न जाने किस वजह से शुरू हुई थी, शायद वो वजह खत्म भी हो गई होगी, तो भी हम उस परंपरा उस प्रथा को फॉलो करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रथा और परंपरा फॉलो नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें सवाल जरूर करना चाहिए ताकि हम आने वाले पीढ़ी को इस बात का उत्तर दे सके कि हम इस प्रथा इस परंपरा को क्यों मानते हैं। उसी प्रकार हमें दूसरा मैसेज ये मिलता है कि जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो सवाल करने की आदत डालो। किसी भी चीज को बिना सोचे समझे भरोसा करना छोड़ दो, जो कि समाज को बिगाड़ रहा है। आज व्हाट्सएप पे आई हुई कोई भी पोस्ट को हम सिर्फ पढ़ते हैं और शेयर कर देते हैं, न जाने उसकी तथ्यता को हम क्यों नहीं जानने की कोशिश करते, क्यों हम बंदर की तरह एक्ट करते जाते हैं। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हिट करें बेल आइकॉन को ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।